पंकज आओ बैठो। अजीत बाबू आइए बैठिए। अरे गणेश भाई ये सब सामान हमारे गेस्ट रूम में रख दो जी। और हम सबके लिए चाय बनाओ जल्दी से। बहुत भाई रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? बड़े आराम से आए, बताओ क्या मामला? अरे चाय तो आने दो, इतनी जल्दी क्या है भाई? दरअसल कलकत्ते में एक जरूरी काम है, ब्योमकेश आपके पुराने दोस्त हैं इसलिए सब कुछ काम छोड़कर यहाँ आए हैं। अब जब आ ही गए हो तो कुछ दिन ठहरो, शहर में एक बहुत अच्छा सर्कस आया हुआ है वो देखो। हाँ ख्वाजा पीर की दरगाह है, रामेश्वर का मंदिर है, ये सब कुछ देखोगे नहीं क्या? है? अगर इतना कुछ देखने को है तो फिर बताओ ना जल्दी क्या मामला है, शुभस्य शीघ्रम। एक भूत ने परेशान कर रखा है यार। भूत? ये पुलिस ने भूतों की छानबीन करना कब से शुरू कर दिया? ये बात नहीं है, मामला कुछ यूं है कि करीबन एक महीने पहले एक आदमी की उसी के घर में हत्या हो गई। अब हत्यारा तो पकड़ा नहीं गया लेकिन उस आदमी की प्रेत आत्मा ने घर में आना जाना शुरू कर दिया। लो चाय आ गई। केस तो इंटरेस्टिंग है। फिर हमारे शहर में नदी के पास एक छोटा सा मकान था, दो मंजिला, चारों ओर से खुला हुआ, सिर्फ कंपाउंड वॉल से घिरा हुआ। पिछले 15 साल से इसमें बैकुंठ दास नाम का एक जौहरी रहता था, अधेड़ उम्र, बहुत ही कंजूस लेकिन विनम्र स्वभाव का। उसके साथ में उसकी एक भांजी और एक नौकर, बस यही 3 इंसान रहते थे। शहर में इस जौहरी की सोने चांदी की एक दुकान भी थी लेकिन हीरे जवाहरात का व्यापार वो अपने घर से ही करता था। इसी जौहरी की हत्या हुई है। बही खातों की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मरते वक्त इसके पास 51 हीरे, पन्ना और चुन्नियाँ थी जिनकी कीमत समझो 4 लाख रुपए होगी, और वो सब कुछ चोरी चले गए। कहाँ रखता था ये हीरे जवाहरात? यही तो गोरख धंधा है, 2 मंजिला मकान, ऊपर सिर्फ 1 कमरा जिसमें वो खुद रहता था, नीचे 1 बैठक और 1 कमरा जिसमें उसकी भांजी रहती थी। बाहर से जब कोई ग्राहक आता था तो उसे नीचे बैठक में बिठाकर ऊपर से हीरे जवाहरात लाकर दिखा देता था। उसके कमरे में तो सिर्फ 1 चटाई, 1 पानदान, 1 पानी पीने की सुराही और 1 छोटी सी संदूक थी जिसमें हीरे जवाहरात और नकद रखता था। बाकी ना तो उस कमरे में कोई अलमारी ना संदूक, यहाँ तक के दीवारों पे कोई तस्वीर भी नहीं थी। संदूकची में कुछ मिला? कुछ नहीं, सब साफ, सिर्फ कान से मैल निकालने वाली पीतल की छोटी सी छड़ी थी बस। हत्या कैसे हुई? रोजाना की तरह शाम को 8 बजे बैकुंठ दास दुकान से घर आया, खाना वाना खाकर रात को 9 बजे तक अपने कमरे में सोने चला गया। भांजी भी खा पी कर अपने कमरे में सोने चली गई। नौकर दुकान पे खाना खा के चला गया क्योंकि वो वहीं सोता था। फिर रात में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। सुबह जब बैकुंठ दास ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने आकर दरवाज़ा तोड़ा, देखा कि अंदर बैकुंठ दास की लाश पड़ी है, जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं, लगता था हत्यारे ने उसका गला घोटकर उसकी जान ली और हीरे जवाहरात लेकर खिड़की से कूद गया। हीरे जवाहरात लेकर कोई बाजार में बेचने आया था? अभी तक तो नहीं, हमारे गुप्तचर चारों ओर फैले हुए हैं। और बस और क्या, वैकुंठ दास जी के मरने के बाद उनकी भांजी बिचारी अकेली रह गई, रुपया पैसा भी नहीं था, वो तो यहाँ के पुराने वकील तारा शंकर जी ने उसे अपने पास रख लिया। वकील होकर भी अच्छे इंसान निकले, वैकुंठ दास जी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, हर इतवार को वो शतरंज खेला करते थे। लड़की क्या विधवा थी? नहीं विधवा तो नहीं, मगर कुछ ऐसा ही समझ लो, कम उम्र में शादी हो गई, शादी होते ही माँ बाप गुजर गए, पति भी बिल्कुल बदमाश निकला, आवारा लोफर, नाटक ड्रामों में पार्ट करता था, फिर किसी सर्कस कंपनी में शामिल हो गया और पता नहीं कहाँ चला गया। तभी से उसके मामा वैकुंठ दास जी ने उसे अपने पास रख लिया अपनी बच्ची समझ कर। अरे आखिर उन्हें भी तो कोई देखभाल करने वाला चाहिए ना।
लड़की की उम्र क्या है? यही कोई 23-24 साल। उसका चाल चलन? जहां तक मेरा ख्याल है अच्छा ही है, शक्ल भी बस ठीक ठाक है। रिश्तेदार वगैरह? नहीं के बराबर। बैकुंठ दास जी के मरने के बाद कुछ आए भी थे, मगर जब उन्होंने देखा कि रुपया पैसा कुछ नहीं है, सब चोर ले गए, तो वो भी चुपके से खिसक लिए। लेकिन आप तो कह रहे थे कि किसी भूत ने परेशान कर रखा है, इसमें भूत कहाँ है? बस यहीं से भूत की शुरुआत होती है। वैकुंठ दास जी के मरने के बाद उस घर में एक नया किराएदार आया, तब से भूत मंडराने लगा हुआ। रोज रात को 15 फुट लंबी प्रेत आत्मा खिड़की से झांकती है। औरों ने भी देखा है? औरों ने भी देखा है? हाँ, एक सज्जन है शारदा प्रसाद जी। अरे लीजिए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आइए 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 आइए, मैं आपका परिचय करा दूं। ये हैं ब्योमकेश बख्शी, हमारे कलकत्ता के मित्र, जाने माने प्राइवेट जासूस, और ये उनके साथी अजीत बाबू। नमस्कार। और ये यहाँ के माननीय व्यक्ति श्री शारदा प्रसाद जी, और आप शैलेंद्र कुमार। बैठिए बैठिए ना। धन्यवाद। ये दोनों भूत के विशेषज्ञ हैं। हाँ, हमारे भूत के बारे में यही बताएंगे आपको। आप लोग बैकुंठ दास के बारे में बात कर रहे हैं? जी। बड़ी दुखद घटना है। जब तक गया में पिंडदान नहीं दिया जाएगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप क्या भूत प्रेत को मानते हैं? लगता है आप नहीं मानते। हमारे शैलेंद्र जी भी नहीं मानते थे, कहते थे सब ढकोसला है। लेकिन अब कहिए ना शैलेंद्र जी, अब तो यूं समझिए कि पूरा भक्त हूं। सच कहता हूं ब्योमकेश बाबू, पहले मैं आप ही की तरह था, भूत प्रेत को लेकर माथा पच्ची नहीं करता था। लेकिन जब से शारदा बाबू से परिचय हुआ, तब से इस मामले पर जितना बहस की उतना ही यकीन होता गया कि भूत प्रेत के बगैर इस दुनिया में रहना नामुमकिन है। क्या पता, हमारे लिए तो मुमकिन है, हमें तो कभी भूत प्रेत की कमी महसूस नहीं हुई। खैर, वो सब कुछ जाने दी। शारदा प्रसाद जी, आप हमारे वैकुंठ दास की प्रेत आत्मा की कहानी बताइए। हाँ, आप अभी भूत की कहानी सुनाइए, ये फजूल के बहस से क्या फायदा। तो फिर सुनिए, बैकुंठ दास जी के मरने के बाद 8-10 दिन तक के उनके मकान पर पुलिस का पहरा लगा रहा। इस बीच उनकी भांजी को ताराशंकर बाबू अपने घर ले आए। इन 8-10 दिनों में क्या कुछ हुआ कुछ ठीक से पता नहीं, लेकिन 2 पुलिस कांस्टेबल उनके मकान पर रात भर पहरा दिया करते थे। पहरा खत्म होने के बाद एक किराएदार वहां रहने आ गया, कैलाश चंद्र मलिक। उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए रिटायरमेंट के बाद वो अपनी सेहत अच्छी करने यहां आए थे। उन्होंने बिना जाने बूझे दरियाफ्त किए ये मकान किराए पे ले लिया था, और मकान मालिक ने भी उन्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। एक दिन कैलाश चंद्र जी उसी ऊपर वाले कमरे में, जहां पर बैकुंठ दास जी मारे गए थे, अकेले सो रहे थे। आने के दूसरे दिन ही रात को ठीक 9 बजे उनकी नजर खिड़की पर गई। उन्होंने देखा एक भयानक चेहरा अंदर झांक रहा है। वो चीख पड़े, नीचे से उनके नौकर जाकर ऊपर दौड़ कर आए, लेकिन वो भयानक चेहरा गायब हो चुका था। इसी तरह 3-4 रात वो भयानक चेहरा अंदर झांकता गायब हो जाता, झांकता गायब हो जाता, झांकता गायब हो जाता। सारे शहर में खलबली मच गई। हमें भी खबर मिली। फिर एक दिन 3-4 दोस्तों के साथ हम उनसे मिलने गए। पिछले 15 दिन में 6 बार भूत आया, इस खिड़की से अंदर झांकता था और फिर चला जाता था, जैसे अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। किस वक्त आता है वो? कोई ठीक वक्त नहीं, कभी आधी रात, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, लेकिन 9 बजे के बाद।
क्या हम भी आकर उस भूत जी के दर्शन कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 3 दिन के इंतजार के बाद जो हमने देखा, उसके बाद कैलाश चंद्र जी की बातों पर हमें पूरा यकीन हो गया। आपने भूत देखा? जी देखा, बिल्कुल बैकुंठ दास जी की प्रेतात्मा ही थी। वो तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन एक भयानक चेहरा था, एक किसी आदमी का था। कुछ लम्हों के लिए नजर आया, फिर गायब। किसी और ने देखा? हाँ, औरों ने देखा। शैलन बाबू, आप कुछ कहिए ना, कहते क्यों नहीं है? हाँ, मैंने भी देखा। याद है ना, उस दिन कैलाश चंद्र बेहोश हो गए थे। वो तो डॉक्टर बागची हमारे साथ थे, उन्होंने संभाल लिया, नहीं तो उस दिन एक और ट्रेजेडी हो जाती। इसका मतलब है कि बैकुंठ दास जी की प्रेतात्मा उस घर की खिड़की में मंडरा रही। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, इस मामले में बैकुंठ दास जी की भांजी क्या कहती है? वो बेचारी क्या कहेगी? कुछ नहीं। बैकुंठ दास जी की भांजी से मुलाकात करवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों ना पहले भूत के दर्शन किए जाए। हाँ हाँ, कर सकते हैं, पर आज ही रात को नजर आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। लगातार 3-4 रात इंतजार करेंगे तो जरूर नजर आ जाएगा। ये ठीक रहेगा, आपके शहर आए हैं, एक नया तजुर्बा लेकर जाएंगे। चलिए, आज शाम को ही चले चलते हैं, हम आपको 6 बजे लेने आ जाएंगे। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ठीक है ना? पहले ताराशंकर बाबू से मिलेंगे, वहीं शीला रहती उससे मिलेंगे, फिर भूत। ठीक है, चलिए फिर शाम को मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। यो, है ना कुछ? तुम्हारी हत्या की कहानी और शारदा प्रसाद की भूत की कहानी, इन दोनों में कौन सी ज्यादा मजेदार है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। मजेदार? हत्या की घटना में मजा कहां से मिला तुम्हें? अच्छा, कहीं बैकुंठ दास जी का हार्ट फेल तो नहीं हुआ? क्या बात करते हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि गला दबाकर दम घोट कर मारा है। मतलब आज तक हत्यारे का कोई पता नहीं चला, यहां तक कि गर्दन पर उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। ये मजेदार बात नहीं तो और क्या है? हमारे शारदा प्रसाद जी के सामने तो एक सबूत है, भूत। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आइए आइए शारदा प्रसाद जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आप हैं ब्योमकेश बाबू? नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। माफ करना, मैंने इनसे कहा था किसी को और साथ में ले आए, सिर्फ ब्योमकेश को लेके आए। जी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप ये कलकत्ता के डिटेक्टिव? डिटेक्टिव कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, मैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी, वो क्या होता है? सत्य की खोज करना मेरा पेशा है, जैसे आपकी वकालत। अच्छा अच्छा, आजकल डिटेक्टिव आउट ऑफ फैशन हो गया है। अच्छा, तो आप किस तरह की खोज करते हैं? सत्य की? वो तो मैं समझा, लेकिन किस तरह का सत्य? यूं समझिए, जैसे बैकुंठ दास आपके पास कितना रुपया छोड़कर गए हैं, अगर इस तरह के सत्य की जानकारी मिल जाए तो मेरा काम काफी आसान होगा। बैकुंठ दास मेरे पास रुपया छोड़ गए हैं, यह आपको कैसे पता चला? बैकुंठ दास जैसे धनी जौहरी नकद रुपया नहीं छोड़कर जाएंगे, इस पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। उनका बैंक में कोई खाता नहीं था, ये मुमकिन है कि बैंक जैसी संस्था पर उनको भरोसा ही नहीं था। फिर रुपया कहां रखा उन्होंने? आप तो उनके साथ इतवार को शतरंज खेलते थे, उनकी मौत के बाद आपने उनकी भांजी को अपने पास रखा, इसलिए यही समझना चाहिए कि आप ही उनके करीबी दोस्त हैं, लिहाजा रुपया आप ही के पास रखेंगे। आपने ठीक ही कहा, बैंकों के ऊपर बैकुंठ दास का भरोसा नहीं था, उनका नगद सब रुपया मेरे पास था और अब भी है करीबन 17,000 रुपए, लेकिन मैंने इस बात की किसी से चर्चा नहीं की और मैं नहीं चाहता कि ये बात आज के बाद किसी को पता चले। आप तो सज्जन जान गए हैं और मैं चाहता हूं कि ये बात आप अपने तक ही रखें।
इस बात को छुपाकर रखने की कोई खास वजह है? बताता हूं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, शीला का मतलब वैकुंठ दास जी के भांजी का एक लोफर लापरवाह पति है, शीला को साथ नहीं रखता, सर्कस पार्टी के साथ कहीं घूमता फिरता रहता है, आजकल कहां है किसी को मालूम नहीं। शीला वैकुंठ दास जी की इकलौती वारिस है, ये उसे मालूम है। अगर इन 17,000 रुपयों के बारे में उसे पता चल गया तो वो जबरदस्ती शीला को यहां से ले जाएगा और 2 दिन में सारा रुपया फूंक कर शीला को फिर यहीं फेंक देगा, और ये मैं होने नहीं देना चाहता। सारी जिंदगी शीला को यही रहना है, उसके लिए कुछ तो चाहिए। क्या मैं हमेशा जिंदा रहूंगा? आप ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा, मैं शीला से मिल सकता हूं? दरअसल उसी से मिलने यहां आया था। हाँ शीला, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जाइए पूछ लीजिए। आपके मामा के मौत के बाद आप पूरी तरह से असहाय नहीं हुई हैं, ये बात आप जानती हैं? जानती हूं। ताराशंकर बाबू ने जरूर आपको बताया होगा कि आपके 17,000 रुपए उनके पास जमा है। जी, आपके पति कितने दिनों से लापता है? 5 साल। इन 5 सालों में आपने कभी उन्हें देखा? नहीं। कोई चिट्ठी भी नहीं मिली? नहीं। अब वो कहां है कुछ मालूम है आपको? नहीं। अच्छा, आपको कुछ धन प्राप्त हुआ है, ये समाचार सुनकर क्या वो आपको यहां से ले जाएंगे? मतलब क्या ये मुमकिन है? है। आप उनके साथ जाना चाहती हैं? क्या आप उनके पास जाना चाहती हैं? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? आपका ससुराल कहाँ? जशोर। वहां आपके सास ससुर हैं? जी नहीं, दोनों गुजर गए हैं। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई थी? नवद्वीप में। नवद्वीप में आपके माता पिता हैं? जी नहीं, वो भी गुजर गए हैं। कोई चाचा ताऊ? आप वहां नहीं जाना चाहती? नहीं। यहीं ताराशंकर बाबू के यहां खुश हैं? जी। उन्हें अपना शुभचिंतक मानती हैं? जी। अच्छा, बैकुंठ दास जी के घर में आप नीचे सोती थी, किस कमरे में? मामा के कमरे के बिल्कुल नीचे। अच्छा, जिस रात आपके मामा की हत्या हुई उस रात आपने कोई आवाज, झगड़ा कुछ सुना? नहीं। अच्छा, आपके मामा अपने हीरे जवाहरात ऊपर वाले कमरे में ही रखते थे ना? जी हाँ। कहाँ रखते थे? ये नहीं मालूम। फिर भी कुछ अंदाजा होगा, कभी कुछ देखा होगा? कुछ नहीं। आपके मामा से किसी की दुश्मनी थी? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, आप जाइए। आइए आइए। नमस्कार कैलाश चंद जी, आपको फिर तकलीफ देने आ गए। अरे कैसी तकलीफ? आप हैं कलकत्ते के जाने माने जासूस, उस भूत के बारे में कुछ तहकीकात करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, जरूर कीजिए, बैठिए तो सही। नहीं नहीं, आप बातचीत कीजिए, मैं जरा आसपास की जगह दिखाता हूँ, अगर इजाजत हो तो। हाँ जरूर। अच्छा
कैसे कैलाश चंद जी, फिर हुए उस भूत के दर्शन? मैं तो तंग आ चुका हूं। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते इस घर को? अरे ऊपर आइए, चाय आ गई है। कुछ पता चला? बस देख रहा हूं। ये खिड़की जमीन से करीब 15 फुट की ऊंचाई पर है। जी, अब आप अंदाजा लगाइए, जो इस खिड़की से झांकता है उसकी ऊंचाई क्या होगी? यही तो ताज्जुब की बात। कैलाश बाबू, ये भूत की आए दिन की परेशानी जो आपको तंग कर रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये घर छोड़ देना चाहिए? सब मुझको यही कहते हैं, ये घर छोड़ दो। लेकिन घर छोड़कर होगा क्या? मैं जहां भी जाऊंगा ये परेशानी मेरा पीछा करती रहेगी। आपका पीछा करेगी? आप क्या सोचते हैं, किसी बैंकूट की प्रेतात्मा यहां चक्कर काट रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात है? अरे लालटेन ले आ, अंधेरा होने वाला है। बैकुंठ फैकुंठ सब बकवास है। यह है शैतान, मेरा बेटा। ये क्या कह रहे हैं इस कैलाशन जी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। उसका एक पाखंडी गुरु है। एक दिन वो अपने गुरु को लेकर आया था मेरे पास। मैंने उसे जूते मारकर भगा दिया। अब दोनों मरघट पर जाकर कंकाल की खोपड़ी में शराब पीते हैं और मुझसे बदला लेने के मंसूबे बांधते हैं। मेरे पीछे शैतान छोड़ दिया है। लेकिन कुलांगार संतान है, उसका मतलब क्या है मैं क्या नहीं समझता? मुझे दिल का दौरा पड़ चुका है। पिशाच को देखकर मेरा हाल फेल हो जाए, बस दोनों की बनाएगी। दोनों गुरु चले, मेरी जायदाद को लेकर मजे से गुलछर्रे उड़ाएंगे और क्या। वो देखो, देखा? देख लिया। ये शैतान है, मुझे बिना मारे नहीं छोड़ेगा। ब्योमकेश बाबू, मेरे जाने का वक्त हो गया है। शैतान के हाथों से कभी कोई बचा है क्या? कैलाश बाबू, डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान या प्रेत नहीं, मैं फिर कहता हूं आप ये घर छोड़ दीजिए। मैं भी तो यही कह रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि बैकुंठ दास की मृत्यु के बाद ये मकान भूतों का अड्डा बन गया है। भूत हो या शैतान, फिलहाल कैलाश बाबू का जो हाल है, किसी तरह का भी कोई झटका या डर इनके लिए अच्छा नहीं है। आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा ये घर। मैं क्यों छोड़ूं ये घर? मैंने किया क्या है जो मैं चोरों की तरह यहां से भाग जाऊं? अगर मेरा अपना बेटा मेरी मौत चाहता है तो ठीक है, मैं यहीं पर मरूंगा। जो बेटा अपने बाप को मार डालना चाहता है, मैं ऐसे बेटे का बाप होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। अच्छा, आप इस खिड़की को बंद क्यों नहीं रखते? रखा था 2-4 दिन, लेकिन जब भी वो आता है जोर से खिड़की खटखटाता है। तब से एक नौकर जमीन पर सोता है। मैं जरा इस कमरे को अच्छी तरह से देख लूं। जरा वो चम्मच दीजिएगा। ये कलकत्ते के जासूस कर क्या रहे हैं? अरे करेंगे क्या, ये शहरी लोग शहर को ही जानते हैं। हमारे यहां क्या होता है इन्हें क्या मालूम।
बुरा मत मानिएगा, आपकी दीवार जरा खरोंच दी है। आप पान खाते हैं? कभी कभी। अच्छा जरा सा चूना मंगवा दीजिए। अरे जरा चूना ना ना। लेकिन ब्योमकेश बाबू को यहाँ आकर एक फायदा जरूर हुआ है। उन्होंने कल रात को जिंदगी में पहली बार भूत के दर्शन किए। सच? अरे पूछ लीजिए इनसे। हाँ एक चेहरा देखा लेकिन किसका था कुछ कह नहीं सकता। लेकिन था तो किसी इंसान का। हाँ इंसान का ही था। देखा? मैं भी तो यही कहता हूँ कि मैंने साफ साफ नहीं देखा था, लेकिन हलफ उठा के कह सकता हूँ कि चेहरा किसी इंसान का था, जानवर का नहीं। अरे भाई प्रेतात्मा का चेहरा और उसका मकसद साफ साफ क्या है ये हम जीवित लोग कैसे समझ सकते हैं? लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि बैकुंठ दास की भटकती हुई आत्मा कुछ कहना चाहती है। हो सकता है वो कातिल का नाम बताना चाहती हो। ऐसी हालत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये भी ठीक है, उसकी मदद के लिए हमें चाहिए कि कैलाश बाबू को कह दे कि वो मकान छोड़ दे। इसमें उनकी भी भलाई है और भूत की भी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन वो तो समझे बैठे हुए हैं कि वो भूत उन्हीं की लड़के का छोड़ा हुआ कोई शैतान है। क्या? हाँ। ये सब मैं बाद में समझा दूंगा। फिलहाल यही ठीक रहा कि कैलाश बाबू को समझा बुझा कर जितनी जल्दी हो सके कहीं और जाने को कहा जाए। ये देखो हीरा, आज दिन में इतने लोग थे इसलिए मैंने सब कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगता है हत्यारे का पता लग जाएगा। ये हीरा तुम्हें मिला कहाँ? ये हीरा मुझे बैकुंठ दास के कमरे की दीवार में चिना हुआ मिला। मैंने गौर करके देखा कि दीवार में जगह जगह पर चूना लगा हुआ था। तब मुझे यकीन हो गया कि अगर दीवार को कुरेद कर देखा जाए तो उसमें जरूर हीरे के टुकड़े मिलेंगे। मतलब? मतलब ये कि बैकुंठ दास की हत्या इन्हीं हीरों की वजह से हुई है और हत्यारा अब खाली मकान तलाश करके हीरे बरामद करना चाहता है। इसीलिए चाहते हो कि कैलाश चंद्र घर छोड़ जाए? हाँ। अब गौर करने की बात है कि जिस दिन बैकुंठ दास जी का खून हुआ था उसी दिन से 12 दिन तक पुलिस का पहरा था और 13वें दिन कैलाश चंद्र बाबू आधम के। अब जिस दिन मकान खाली होगा उसी रात से हम तीनों वहां धरना देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली रात नहीं तो दूसरी रात को हत्यारा वहां जरूर आ पहुंचेगा। चलो यहीं यहीं कहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। पता नहीं कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। 5 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा। अजीत हाँ? जैसे ही मैं टॉर्च जलाऊं तुम खिड़की के पास चले जाना और शशांक तुम पुलिस का काम करोगे, मतलब कि भूत को पकड़े रखना है। फिर मैं तो याद है एक बार ऐसे ही हम रेत के दलदल के पास वाले कमरे में बैठे थे। याद है। लेकिन अभी को बातचीत नहीं, कोई हिलेगा भी नहीं, समझे?
कोशिश मत कीजिए, आपको तकलीफ होगी। नीचे हमारे सिपाही तैनात है। जमादार साहब ऊपर आइए। हथकड़ी लाना। आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपने तो कमाल कर दिया ब्योमकेश बाबू, मैं बिना वजह अपने लड़के पर शक कर रहा था। इतने दिनों से शैलेंद्र बाबू को पहचानता हूं, लेकिन कभी कुछ पता नहीं लगा। कितना बड़ा शैतान निकला। ऊपर से हमें ही कहता है कि उसने भूत देखा था, ताकि कोई उस पर शक न कर सके कि वो साला खुद ही भूत है। क्या उल्लू बनाया हमें। लेकिन आपको कैसे पता चला, सारे शहर में यही चर्चा हो रही है। हाँ, बैठिए, अभी बताता हूँ। हाँ हाँ, आइए ना, बैठिए बैठिए, आप लोग भी बैठिए। शारदा बाबू, आप बुरा ना माने, लेकिन जब आपने भूत और प्रेत आत्मा की बात छेड़ी थी, तब मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भूत के अस्तित्व पर मुझे कतई यकीन नहीं है। जो भूत शारदा बाबू ने देखा, कैलाश बाबू ने देखा, वो असल में भूत नहीं बल्कि जीता जागता इंसान था। शुरू से मेरी यही आस्था रही थी। अब सवाल ये उठता है कि ये शख्स जो भूत बनकर बैठा है, ये कौन है और भूत क्यों बनकर बैठा है? लोगों को भूत बनकर क्यों डरा रहा है? इसका एक ही जवाब निकलता है कि वो भूत बनकर मकान में रहने वालों को भगाना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि वो उन्हें क्यों भगाना चाहता था, उसका मकसद क्या था? बैकुंठ दास जी की मौत के बाद उनके कीमती हीरे जवाहरात नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि जिस लकड़ी के बक्से में उनके रुपए थे, उसी में उनके हीरे जवाहरात भी थे, और हत्यारा उस बक्से को उठाकर ले गया। अब ये बात कुछ जमी नहीं। बैकुंठ दास जी का चरित्र जैसा था, कंजूस, हमेशा चौकस, ऐसा नहीं जान पड़ता कि वो एक मामूली से बक्से के अंदर अपने कीमती हीरे जवाहरात रखते। लेकिन थे उसी कमरे में। कहां रखे थे? हत्यारे को पता था कि बैकुंठ दास जी के कमरे में कीमती लाखों के हीरे जवाहरात छुपे हैं, इसीलिए उसने उनकी हत्या की। हत्या के बाद लकड़ी का बक्सा खोला, सिर्फ कुछ रुपए मिले, हीरे जवाहरात तो कहीं मिले नहीं। इन्हीं हीरों को हासिल करने के लिए भूत बनकर उसने कैलाश बाबू को डराना शुरू किया, ताकि वो मकान छोड़कर चले जाएं और वो आराम से बैठकर हीरे ढूंढे। यही मौका हमने उसे दिया और उसी से वो पकड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये भूत या चोर हत्यारा, उसने ऐसा क्यों किया, उसका मकसद क्या था? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यही शैलेंद्र बैकुंठ दास जी की भांजी शीला का पति है, और शीला को शुरू से ही अपने मामा के हत्यारे का पता था। मैं शैलेंद्र को हवालात में मिला। मैं करीब 3 हफ्ते पहले इस शहर में सर्कस कंपनी के साथ आया। सर्कस के पहले दिन ही मैंने देखा कि मेरी पत्नी शीला अपने मामा के साथ सर्कस देखने आई है। मुझे दिन में कोई खास काम नहीं रहता, इसलिए मैं शीला के मामा के बारे में जानकारी हासिल की, तो पता चला कि शीला का मामा एक बहुत बड़ा पैसे वाला जौहरी है। एक दिन मैं शीला के मामा का घर का पता लगाते लगाते शीला से जाकर मिला। बोलो, अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा शीला, दरअसल मैं सर्कस के काम से तंग आ गया। मैं चाहता हूं कलकत्ते में जाकर रहूं, कोई काम धंधा शुरू करूं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास रुपए नहीं। हमें रुपए नहीं चाहिए, बस तुम मुझे यहां से ले चलो। तुम्हारे मामा के पास तो रुपए, हीरे जवाहरात सब है। वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, 5 साल से तुम नहीं आए, और आज उन्हें देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। और सुनो, मैं कल रात आऊंगा, रात में तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता, तुम दरवाजा खोल देना, मैं ऊपर से हीरे रुपए जवाहरात सभी ले लूंगा, उसके बाद हम दोनों यहां से भाग चलेंगे। नहीं, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो बस यही एक रास्ता है, मैं कल रात जरूर आऊंगा। दूसरी रात शीला ने दरवाजा खोल दिया
और मैं ऊपर गया। हीरे कहाँ है? बता हीरे कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं नहीं पता नहीं तो यही मार डालूंगा। तुम्हें पता है कहाँ हीरे? नहीं, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये खिड़की तोड़ करके नीचे भाग जाऊंगा। तू नीचे जा, मैं अंदर से दरवाजा बंद करता हूं। कल या परसों फिर आऊंगा, दरवाजा खोल देना, मैं हीरे ढूंढ निकालूंगा। और सुन, खबरदार कभी किसी को कुछ बताने की कोशिश की फिर तुझे कभी मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, समझी? चल भाग नीचे जा, जा। फिर रात को सर्कस के बाद कई बार शैलेंद्र उस मकान में गया, कभी 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे या 2 या 3 बजे। सर्कस में लंबे लंबे बांस के डंडों के बीच करीब 8 या 10 फुट की ऊंचाई पर एक तख्ता लगाकर उस पर चढ़कर चलने की प्रैक्टिस दी जाती है। शैलेंद्र इसमें माहिर था, इसी लंबे बांस के सहारे चलकर वह खिड़की तक आता था, डराने के लिए अंदर झांकता, कभी जरूरत पड़े तो तेजी से भाग जाता था। अब डराने के साथ साथ वो ये भी पता लगाना चाहता था कि हीरे कहां छुपा कर रखे। बैकुंठ दास जी ने हीरे छुपाने की जगह अजीब सी सोची थी। दीवारों को खरोच कर उसके अंदर हीरे रखे गए थे, उस पर पान का चूना लगाकर उस जगह को छुपा देते थे। ऐसे करीब 50 या 60 सुराख मिले थे मुझे, जहां हीरे हिफाजत से रखे गए थे। मुझे लगता है कि शैलेंद्र को आखिर इस जगह का पता चल गया था। असल में दुख भरी दास्ता तो बेचारी शीला की है। 5 साल के बाद पति से मिली, अपने प्यार की वजह से जो कुछ भी हुआ चुपचाप झेलती गई। मामा के मौत के बाद तारा शंकर जी के यहाँ रहने लगी। वहां पर शैलेंद्र ने उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्योमकेश, तुमने हमें शारदा बाबू के भूतों से बचा लिया, वरना थोड़े दिनों में मैं भी भूतों पर यकीन करने वाला था। क्यों शारदा बाबू, अब आपकी क्या राय है? संस्कृत में एक कहावत है, मौक्तिकम न गजे गजे। इसका अर्थ ये होता है कि एक हाथी के सर पर अगर गजमुक्ता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि गजमुक्ता होता ही नहीं है। हाथी के सर पर क्या है ये तो कभी तलाश नहीं किया, लेकिन आपके सर में क्या है ये तो हम सब जानते हैं।